द टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार, डार्क टाइम्स न्यूज़ सच का साथी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरके त्रिपाठी, यूपी का जनपद रायबरेली। रायबरेली के बाल कल्याण समिति अध्यक्ष देशराज मौर्या पर दुराचार का मामला दर्ज होने, श्रीमान न्यायालय में 164 का बयान होने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही, उल्टा पीड़िता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं पर समिति अध्यक्ष की पत्नी और सुभाष चिल्ड्रन सोसाइटी के अध्यक्ष विमला मौर्य द्वारा अधिवक्ताओं पर मुकदमा दर्ज किए जाने के मामले में रोज नया विवाद सामने देखने को आ रहा है, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। डार्क टाइम्स न्यूज के लिए संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। कहाँ के रहने वाले? थाना कौन सा है? क्या मामला है? क्या हुआ तुम्हारे साथ, ये बताओ। सोसाइटी चलाते हैं, वो मुझे अपने घर ले आए। मैं उनके साथ एक साल रही। वो मेरे साथ बलात्कार करते थे, शारीरिक शोषण करते थे, नशीली दवाइयाँ रखते थे और उनको देते थे मिला के खाने पीने में। पर तुम उनके चंगुल से छूटी कैसे? उनकी पत्नी सुबह से सोसाइटी चलाती है, तो मैं उनके साथ सिलाई करने आती थी, तो जो कस्टमर के जो कपड़े सिलने को होते थे वो मुझे भिजवाती थी देने के लिए। तो मैं एक ममता यादव महिला थी, मैं उनके द्वारा मैं उनको देने आई थी कपड़े, तो मैंने उनसे अपनी सारी पीड़ा बताई। तो उसके बाद उन्होंने, उनके किराएदार राम कुमार रहते थे, तो उन्होंने मुझसे बताया, उन्होंने मुझसे कहा ये मेरे किराएदार हैं, अगर इनसे शादी करना चाहते तो कर लो। तो फिर मैंने उसके बाद मैंने देखा, तो फिर उसके बाद मैंने हाँ बोल दिया, मैंने कहा मैं शादी कर लूँगी। फिर उसके बाद मैंने मुकदमा लिखवाया और एक थाने में मुकदमा लिखवाया, 164 का बयान दिया और मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो हमारे यहाँ थानेदार है पंकज सोनकर, वो जो देशराज मौर्य है उन्हीं के साथ उठते बैठते हैं। एक डीडी मौर्य है जो उनके रिलेशन में है, ना कोई कार्रवाई कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि समझौता करने के लिए दबाव डाल, अगर तुम समझौता नहीं करोगे तो आज तुम कहाँ आई हो? आज दिवाली पेशियर सिटी की। आज हाँ, मैं नर्मदा प्रसाद सोनकर एडवोकेट, मैं विगत 16 सालों से दीवानी परिसर में वकालत पेशा कर रहा हूँ। क्या मामला है इस महिला का? एक पीड़िता मेरे पास आई जिसका मुकदमा अपराध संख्या 144/2019, 376, 323, 504, 506 की पीड़िता है, और उसके अभियुक्त देशराज मौर्य जो बाल कल्याण समिति का अध्यक्ष है, और उसकी पत्नी वो भी अभियुक्ता है जो सुभाष चिल्ड्रन सोसाइटी चलाती है, साथ ही में रहते मुरैबाग डलमऊ में उनका केंद्र है। ये पीड़िता मेरे पास आई, इसने कहा मुझे न्याय चाहिए, FIR कॉपी दी, मैंने मानेटिक प्रार्थना पत्र डाला। उस मानेटिक प्रार्थना पत्र में 7/6/2004, 7/2019 को मैंने डाला, उसमें आख्या मांगी गई डलमऊ थाने से, दिनांक 6/7/2019 लगी गई। आख्या न आने के कारण दिनांक 15/7/2019 को पीड़िता के 64 आयु द्वारा कराया गया न्यायालय में। उसके बाद अभियुक्त की पत्नी विमला द्वारा जो है दिनांक 18/7/2019 को फर्जी झूठी घटना दिखा के न्यायालय परिसर की मेरे खिलाफ व 10 अन्य अधिवक्ताओं के खिलाफ मारपीट का मुकदमा अंकित कराया, मुकदमा अपराध संख्या 590/2019, 147, 323, 504, 506 के तहत थाना कोतवाली सदर में दर्ज करवाया। डार्क टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।